अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अग्निवीरों को लेकर नया ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अग्निवीरों को विभिन्न तरह के लाभ देने का ऐलान किया गया है। अग्निवीरों को राज्य की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा की गई है और सभी अग्निवीरों को यह लाभ दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई है। चलिए जानते हैं क्या है वो घोषणाएं। अग्निवीरों को मिलेंगे यह लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। उसके साथ साथ जानकारी दे दे कि सरकार द्वारा हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मिलेगी आयु में छूट। सीएम सैनी द्वारा अग्निवीरों को लेकर और भी कई ऐलान किए गए। सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी की भर्ती में 1% आरक्षण देगी। इसके लिए ऐलान किया गया। प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों में मिलेगी सब्सिडी। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो 30,000 से ज्यादा का वेतन दे रही है तो हरियाणा सरकार द्वारा उस इंडस्ट्रियल यूनिट को 60,000 रुपए वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। खुद का बिजनेस शुरू करने पर मिलेगी सरकारी मदद। अगर अग्निवीर अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अगर ऐसे अग्निवीर जो अपना काम करना चाहते हैं तो उन्हें बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। उन्हें काम शुरू करने के लिए 5 लाख बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। CISF और BSF में 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया था। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही नियम लागू किया जाएगा। जानकारी देने की 18 जून को गृह मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना जारी की गई थी कि पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। CISF कांस्टेबल की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित की जाएगी। इसके साथ अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा और उम्र की छूट भी दी जाएगी। वहीं BSF की भर्ती के लिए 4 साल का अनुभव को जोड़ते हुए उन्हें मौका दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये छूट हरियाणा सरकार की तरफ से मिल रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये फैसला कैसा लगा हरियाणा सरकार का। जय हिंद, जय भारत।